बंधु नमस्कार, सुप्रभात, कैसे हैं बताइए। आज मैं आपको बताऊंगा जो अपना जो शरीर है, इस शरीर में दो रूप रहता है। वो एक रूप है आपका खुद का और दूसरा जो रूप है वो रूप है भगवान का। तो आप कहाँ हैं अपना शरीर के अंदर और भगवान कहाँ हैं, यही मैं बोलना चाहता हूँ। तो आप इसको समझिए, आपका जो मेमोरी है, आपका जो याददाश्त है, वो लेकिन आप हैं। आपका जो मेमोरी है, आपका जो याददाश्त है, वही आप हैं। और बाकी का जितना भी शरीर है, उस शरीर ही भगवान है। तो हमेशा याद रखिए, आपका शरीर के अंदर आपका याददाश्त आप हैं और आपका पूरा शरीर और पूरा पृथ्वी, पूरा प्रकृति, ये भगवान है। लेकिन आप अपना जो याददाश्त है, उस याददाश्त से आपको एक शक्ति मिला हुआ है, जो शक्ति से आप जान सकते हैं जो आपको क्या करना है, जो आपके लिए बेहतर है और क्या नहीं करना है। क्या करने से आप जीवित रहिएगा, क्या नहीं करने से आप जीवित नहीं रहिएगा, ये समझ आपको आता है। और आप अपना शरीर और प्रकृति को उस तरह से आप कंट्रोल करते हैं या मोटिवेट करते हैं, ये मैनिपुलेट करते हैं जो आपका सुविधा देता हो, आपका स्वार्थ के लिए। तो यही हकीकत है, यही भविष्य है, यही है सब कुछ। इसको आप माने, हमेशा याद रखें, जो अपना जो याददाश्त है वही आप, जब तक आपके अंदर आपका याददाश्त है वही आप हैं। और जिस दिन आपके पास वो याददाश्त नहीं रहेगा, आप नहीं रहेंगे। लेकिन प्रकृति, अपना शरीर, कुछ भी हो, वो हमेशा रहता है, पहले भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। सिर्फ उसका रूप रंग अलग होगा। धन्यवाद, सुप्रभात, नमस्कार।